हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न प्रदितिमन। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका आवासीय विद्यालय बसंत राय से वैकेंसी आई है टीचर्स की। टीजीटी पीजीटी की पोस्ट रहने वाली है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सभी जो है वो पदों की जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी यहाँ पर 22,000 मिलेगी। उम्र 21 से 35 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट भी दी गई है। कैसे एप्लीकेशन करना है, वैकेंसी जो है कितनी है, सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी कहाँ से आई है। तो वैकेंसी आई है गोड्डा जिले से। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कौन कौन सी क्लासेस की। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 यानी टीजीटी के लिए वैकेंसी है और कक्षा 9 से 12 के लिए वैकेंसी है पीजीटी में। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, यहाँ पर फुल टाइम टीचर्स की ही वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी की वैकेंसी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ये टीजीटी के लिए है। और पीजीटी में यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी प्रति विद्यालय 2 पद रहेंगे। विज्ञान में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी, इसके अलावा अर्थशास्त्र की भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यदि क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप आगे तक वीडियो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि, तो यहाँ पर जो टीजीटी के लिए वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपके पास जो है टेट 6 से 8 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर और कक्षा 9 से 12 के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ में बीएड क्लास 9 से 12 तक। बाकी 6 से 8 तक जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं वहाँ पर बीएड और टेट जो है वो अनिवार्य है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर पहले होगा। 3 वर्ष तक आप लोगों को पहले जो है 15,840 प्रति माह दे होंगे। अगर 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा आपने जो है अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर वर्क किया, उसके बाद प्रति माह जो है प्रति महीने आपकी 50% सैलरी में जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, संविदा विस्तार की स्थिति में अगर इसको और भी आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि हर साल जो है आपकी पोस्ट को ये रिन्यू करते चले जाते हैं, तो वार्षिक वेतन जो है वृद्धि प्रति वर्ष जो है वो आपको 250 रुपये जो है वो आप लोगों को मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सैलरी जो है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए यहाँ पर है 15,840। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो 3 वर्ष के बाद जो है वो आपकी सैलरी 50% जो है वो आप लोगों की प्रति माह बढ़ेगी। उसके बाद हर साल 250 रुपये जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी अच्छी जो है वो वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सिलेक्शन केवल और केवल आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर होगा। वैकेंसी आई है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बसंत राय में। ठीक है, आवेदन दिनांक 16/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। अब सभी चीज़ें जो है वो हमने जान ली हैं। अब एप्लीकेशन कैसे करना है तो चलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देती हूँ। उम्र जो है यहाँ पर 21 से 35 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की उम्र 35 है, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो 38 है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 है। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों की 40 वर्ष है। पीडब्ल्यूवीडी यहाँ पर 10 साल की जो है यहाँ छूट दी गई है। तो आप सभी जानते हैं समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो ये विद्यालय हैं, बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, तो यहाँ पर केवल महिला ही जो है वो आवेदन कर सकती है, पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन जो है वो अंतिम तिथि 16 सितंबर से पहले आप लोगों को कर देना है। 5 बजे तक जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज सकते हैं, इससे पहले ही जो है वो आप लोग कर दें। इसकी मेन वेबसाइट है goda.nic.in, तो इस पर आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और साथ में एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आप लोगों को दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ पर लिखा है 23x10 सेंटीमीटर का स्वयं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, सभी शैक्षणिक प्रेस, शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा स्वयं अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की जो है छाया प्रति यानी फोटो कॉपी आपको लगानी है। यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी जो है वो आप लोगों को लगाना होगा।
ठीक है। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। तो यहाँ सारी फैसिलिटी जो है वो आप लोगों को दी जाएंगी। तो फुल टाइम टीचर्स की ही यहाँ वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। 12 नंबर पर लिखा है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम, की हिंदी के लिए कर रहे हैं आप लोग, अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक राज्य में, हर जिले में जो है वो वैकेंसी आती रहती है और चैनल के माध्यम से जो है वो आप लोगों को बिल्कुल पता लगेगी। यहाँ पर जो है झारखंड के ही स्टूडेंट यदि एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा उनको बेनिफिट रहेगा। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।